क्योंकि मैं जो हमारे कैंडिडेट के रूप में हमारी जो आयशा सईद है, भाभी हैं, उनके देवर जो शानू जिनके नाम से इलेक्शन लड़ा जा रहा है, जो बसपा के कैंडिडेट हैं, बहुत सामाजिक हैं, बहुत नर्म दिल हैं, और आपके बीच में पिछले जैसे मैं जानता हूँ 15-20 साल से बिल्कुल मैं भी राजनीति कर रहा हूँ, ये भी राजनीति कर रहे हैं, और हम सब लोग पूरी बगरासी के लिए और बगरासी के आसपास के लोगों के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। मैं शानू भाई से कहूंगा कि वो आए अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम बुजुर्गो, प्यारे दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आप सबने जिस तरीके से मुझे मोहब्बतों से नवाजा है, इसका मैं एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। इसका एहसान कभी नहीं भूल। जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने, बहुजन समाज पार्टी का तो मैं हूं ही, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मुझे समर्थन दिया है, आप यकीन करिए आपका एहसान का जिंदगी मेरे दिल पर रहेगा। और प्यारे भाइयों, यहाँ 20-25 साल से चेयरमैनों को मैं जानता हूँ, यकीन मानिए आज तक यहाँ गरीब जनता का कोई चेयरमैन नहीं बना है। जो भी चेयरमैन बना है, या तो चेयरमैनी चौपालों में रही है या महलों में रही है। कि खुदा के वास्ते एक बार इस चेयरमैनी को झोपड़ी में लाकर दिखा दो, आपका हर दुख दर्द में ये शानू काम आएगा, आपके हर बुरे वक्त में ये शानू काम आएगा, आपकी हर खुशी में ये शानू आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन इस चेयरमैनी को एक बार इस चौपाल से और महल से निकाल के गरीब की झोपड़ी में पहुंचा दो। खूब अच्छी तरीके से मालूम होगा कि पिछले 5 साल जो चेयरमैन थे उन्होंने क्या कहा। चेयरमैन जीतने के बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे एक खास वर्ग के लोगों ने चुनाव जिताया है। अब आप तो खूब समझदार हैं, आप ये जानते हैं वो खुल के तो उनका इलेक्शन नहीं लड़ा सकते थे। उन्होंने ये वादा करा उनसे कि ऐसा है, मैं यहाँ पे मुसलमानों में वोट कटवा दूंगा और तुम निकल के सीधे जाना। मुझे ये बात कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है। यहाँ पर अंसारी बिरादरी का कोई कैंडिडेट नहीं लड़ाना चाहता था, वो सब चाहते थे कि शानू को अपना उम्मीदवार बनाए और शानू को ही अपना, शानू ही में हमारा कैंडिडेट है। लेकिन सुपर खानदान के कैंडिडेट को उन्होंने उतार दिया। जो अंसारियों को अंसारी नहीं समझते वो अपने आप को आला खानदान कहते हैं। और आपको आला खानदान समझते हैं पठानों का, वो किसी गरीब पठान को पठान नहीं समझते, वो समझते हैं कि हम ही ये दो तीन घर है, हम ही पठान है। शानू ने कभी जिंदगी में बिरादरवाद की बात नहीं कही है। मैं विश्वास रखता हूँ इंसानियत पर, मेरी नजर में सब इंसान बराबर हैं। मैंने कभी हिंदू मुसलमान जात बिरादर की राजनीति नहीं कही, मेरे संस्कारों में ये बात नहीं है। मेरी नजर में इंसान इंसान है, अच्छे को अच्छा समझता हूँ, बुरे को बुरा कहने की हिम्मत रखता हूँ। प्यारे भाइयों, एक बार मौका दे दो, आपकी ऐसी खिदमत करके दिखाऊंगा कि मिसाल बन जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।